सो हेलो फ्रेंड, दिस इज वैभव गिरेचा और अभी हम लोग हैं मीरा भाईंदर और वहाँ से भाईंदर की ओर से अभी गोराई साइड जा रहे। बस वैसे हम लोग निकले थे तो सोचा ऐसे ही ब्लॉग बना डालते, वही पुरानी टीम हमारी ड्राइवर पर मैंने ड्राइवर रखा इन लोग ने मेरे को, अच्छा पगार पानी दे रहे मेरे को टाइम पे। पीछे बैठा है सेठ और डबल भाई, इट्स डबल गैलेक्सी पर ये है कि मजा आ रही है, बच्चे यही लाइफ है, क्या करे जी है इसको, बकचोदी में ही मजा आ रही है। तो जिंदगी रहे ना रहे आ गए वहां पे। तो हम लोग सोच रहे कि अगले एक दो वीक में कोई अच्छी ट्रिप मारे हम लोग, हाँ मजबूत मारेंगे सोचा है भीमा शंकर का, पर जाते किधर है हम और उसको क्या बोलते हैं, जुड़े रहिए, स्टे ट्यून स्टे ट्यून, तो वो वर्ड यूज करता हूँ और हम यहाँ पे अभी करंट व्लॉग में फोकस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मतलब ये कर ये उत्तर है इधर गोरा है, क्या बात कर रहे हैं ऐसा भी है। अरे वो जो टिम्बर महंगा पड़ता है, भीमा शंकर जा रहे आगे आगे लगा देखता हूँ, ये कार है ना उधर, इधर से इधर चले मनोरी से बोट पकड़ के वहां से ऑटो करके, दूसरा बोरीवली वेस्ट से गोराई का शेयरिंग ऑटो मार के फिर बोट पकड़ के, और तीसरा भाईंदर मीरा भाईंदर का जो रोड है वहां से। तो हमने कार है तो वहीं से आए हम लोग, ये जूम कार बुक कर रहे थे, तेरी गाड़ी चलाएगा मैं चलाऊंगा, तीन गाड़ियां कार बुक कर रहे हैं भीमा शंकर जाने के लिए, कुछ भी बोलता है साला, मेरे को ये सब कट करने का मेहनत बढ़ा देता है ये सब बोल बोल के। हम लोग अंदर एकदम बीच तक कार लेके आए हैं और चिप चिप एकदम वो कीचड़ ऐसी मीठी, उसका रीजन ये कि है ना ये गटर का पानी छोड़ा जाता है ना समंदर में, ये दिक्कत है, वो इधर का जो बीच है वो पत्थर वाला है, अगर समझो ना अगर पानी इधर ज्यादा रहेगा ना इधर ये जो पानी वाला प्लेस रहेगा, तुम नहाओगे तो कहीं अंदर तक आओगे तो पत्थर वत्थर लग जाएगा, तो ऐसा हालत है। और इधर बहुत सारे रिसोर्ट्स और ड्रिंक के लिए और होटल्स बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ड्रिंक प्लेस है शाम को स्पेशली। अच्छा वो जाना है करके, ओके समझ गया, ये तो क्या हालत हमला नहीं करी है फैमिली के साथ, तो देख मतलब नॉर्मली भी तो 10,000 तो लग ही जाएंगे। क्या थैली किस चीज की थैली है, अबे बीच एक ही गटर है समझ नहीं आ रहा है। ब्लेड ब्लेड से ब्लेड जैसा ही है, ये सीएनजी वाली बुक करेगा ना जूम का, मैं रिटर्न आ जाएगी।
एक्चुअली जब आप टेंशन में हो तो यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो स्पेशली ज़्यादातर अच्छा बीच साइड ही लगता है, टेंशन हो या मैं खुश हूँ या जो भी हूँ, कोई भी स्टेटस हो मेरा, यहाँ आना मुझे बहुत पसंद है। बीच की तरफ मैं कोई मौका नहीं छोड़ता, स्पेशली इवनिंग में, वो भी मानसून में। ये जो है पूरा उत्तन साइड का है, उस साइड बीच है। हम जस्ट उत्तन, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, दो रास्ते हैं वहाँ पे, वहाँ से इधर, यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, यहाँ पे ये उत्तन जाता है और यहाँ से हम यहाँ पे गोराई आए हैं। So it was fun, and if you like this video, don't forget to give a like, subscribe, and share. Next video mein phir milenge naye place ke saath.